कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरि वरदारी जय गोपी जन वल्लभा गिरि वरदारी जय गोपी जन वल्लभा गिरि वरदारी जय गोपी जन यशोदा नंदना ब्रज जन नंदना यशोदा नंदना ब्रज जन नंदना यशोदा नंदना ब्रज जन यमुना तीरा बनकारी यमुना तीरा बनकारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी जन गिरि वरदारी जय गोपी जन वल्लभारी यशोदा नंदना ब्रज जन नंदना यशोदा नंदना ब्रज जन नंदना यशोदा नंदना ब्रज जन नंदना यमुना तीरा बनकारी Oh,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये हरे कृष्ण। सो आप सबका स्वागत है आज के सैटरडे कार्यक्रम में। तो काफ़ी सारे भक्त हमारे रैली में भी थे, उसके बाद यहाँ पे आए हैं लॉट ऑफ एल्डरली डिवोटीज। तो हम सब ने, जैसे मैं वहाँ पे बता रहा था, हालांकि बहुत सुंदर कीर्तन हुआ, इतने सारे भक्त थे, पर अवसर जो कारण था वो सही नहीं था, लेकिन हमको पता है कि कितने बुरी तरीके से हमारे बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर में ये जिहादी लोग आके उन्होंने आतंक किया, भक्तों को मार दिया, स्त्रियों के प्रति बहुत अपराध किया, पुस्तकों को जलाया, श्रील प्रभुपाद की मूर्ति को जलाया, राधा कृष्ण के विग्रहों को तोड़ दिया। तो इतना इतना सब कुछ हो गया, तो हम सबको अभी उठना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे VHP के लोग, RSS शिवसेना के लोग आए थे, इतने सारे लोगों का वही मर्म था, शास्त्र और शस्त्र दोनों इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो हम सब गीता भागवत पर चर्चा कर पा रहे हैं क्योंकि थोड़े लोग हैं जो शस्त्र उठा के रख रहे हैं। हमारे जब जुहू मंदिर, श्रील प्रभुपाद ये जुहू मंदिर बांध रहे थे, उस समय भी मुंबई का म्यूनसिपलिटी आके वो तोड़ने वाला था मंदिर को, तभी उस समय श्रील प्रभुपाद के कोई शिष्य ने, किसी का कॉन्टैक्ट था, वेलविशर बाल साहेब ठाकरे को फ़ोन किया, तो उन्होंने आके मंदिर को बचाया है कि नहीं। तो ये दुनिया में सबको साथ लेके ही चलना पड़ता है। हम भक्ति कर पाते हैं क्योंकि थोड़े लोग आके हमको मदद करते हैं। तो हम आज का विषय चर्चा करेंगे, तो हम भागवतम कृष्णा बुक का, जो भागवतम से लिया है श्रील प्रभुपाद ने, उसका 14वां अध्याय हमने लास्ट टाइम शुरू किया था चर्चा करना।
तो 13th एंड 14th चैप्टर ये ब्रह्म विमोहन लीला है। तो हमने लास्ट टाइम वर्णन किया था ये लीला का, संक्षेप में इतना ही है कि एक बार ब्रह्मा जी कृष्ण को टेस्ट करते हैं, क्योंकि कृष्ण ऐसा प्रतीत होता है साधारण बालक हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलके भोजन ले रहे हैं, उनका उच्चिष्ट गा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को लगा अरे ये विष्णु तोड़ी ना रहेंगे, तो टेस्ट करने का प्रयास करते हैं। और जब टेस्ट करते हैं कृष्ण के सब बच्चों को, जो दोस्त हैं, ग्वालों को लेके जाते हैं और गायों बछड़ों को भी लेके जाते हैं। कृष्ण क्या करते हैं, एग्जैक्टली जितने गाय थे, जितने बछड़े थे और जितने ग्वाल वाल थे, एग्जैक्टली उनका ही रूप लेते हैं। तो भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, ये भगवान का अद्भुत अवतार है कि नहीं? इसलिए शास्त्रों में वर्णन है भगवान के कितने सारे अवतार हैं, जितने सारे लहरें होती हैं समुद्र में उतने अवतार हैं, कितना वर्णन करेंगे। हम देखते हैं जब द्रौपदी का वस्त्र दहन हो रहा था, कृष्ण आए सारी के रूप में, ऐसा कभी अवतार हुआ है क्या, सारी के रूप में आए। तो भगवान आते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए, और जो असुर हैं उनका संहार करने के लिए। तो कृष्ण सोच रहे थे अरे ब्रह्मा जी तो लेके गए मेरे सब दोस्तों को और बछड़ों को, तो अभी मैं वृंदावन कैसे जाऊं इनके बिना, माताएं क्या सोचेगी। तो कृष्ण का हमेशा प्रेम माताओं की ओर था, स्पेशल प्रेम। तो कृष्ण अपना रूप विस्तारित करते हैं, जितने भी उनके दोस्त थे और जितने भी बछड़े हैं, एग्जैक्टली उनका रूप, एग्जैक्टली वैसा ही रूप लेके वृंदावन प्रवेश करते हैं। तो एक साल भर वृंदावन के सदस्यों को लग रहा है ये मेरे बच्चे हैं, गायों को लग रहा है ये मेरा बछड़ा है, पर एक्चुअली साक्षात वो कृष्ण है। तो जब ब्रह्मा जी को ये दर्शन मिलता है, क्योंकि ब्रह्मा जी लेके गए ब्रह्मलोक में, वहां पे भी हैं बछड़े और दोस्त, और यहाँ पे भी वृंदावन में भी है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो ब्रह्मा जी का सर चकरा जाता है, उनका जो चार सर है घूमने लगता है, और वो समझ जाते हैं कि कृष्ण सही में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ के वृंदावन के रज में आके कृष्ण का आश्रय लेते हैं, उनके अंश वाहन में आके, अंश वाहन से उतर के कृष्ण के लिए प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। तो हमने 14वां अध्याय शुरू किया था, प्रेयर्स ऑफर्ड बाय लॉर्ड ब्रह्मा टू लॉर्ड कृष्णा। तो ब्रह्मा जी का प्रार्थना, तो लास्ट टाइम हम चर्चा कर रहे थे, जनरली लीला सुनना अच्छा लगता है कि नहीं, पर ये सब जो टेक्निकल प्रेयर्स हैं अच्छा नहीं लगता, यू नो लोग बहुत बोर हो जाते हैं कि आगे बताओ, पर ये सब प्रार्थना में बहुत सारे तत्व ज्ञान छुपा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमको बताया है कि जैसा अध्याय आता है वैसा पढ़ना है, क्योंकि हम शास्त्र अपने मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ रहे, किसके लिए पढ़ रहे हैं, शुद्धिकरण के लिए पढ़ रहे हैं, प्यूरिफिकेशन है कि नहीं। सिर्फ मनोरंजन के लिए कृष्ण कथा नहीं है, वो बाहर के लोग सुन सकते हैं, पर भक्तों को कृष्ण कथा और ये सब प्रार्थना पढ़ना चाहिए है बहुत प्रेम पूर्वक, क्योंकि ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। तो हमने देखा कि 13वां अध्याय के अंत में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा जी ऑफर्स दिस प्रेयर्स विद ग्रेट ह्यूमिलिटी रिस्पेक्ट एंड अटेंशन। तो बहुत नम्रता के साथ ब्रह्मा जी अर्पण करते हैं यह प्रार्थना, बहुत ध्यान के साथ और बहुत भक्ति के साथ, आदर पूर्वक। तो हमको भी यह प्रार्थना उतने ही आदर पूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, ब्रह्म संप्रदाय है, तो ब्रह्मा जी हमारे आदि गुरु हैं, वो हमको ये सब तत्व ज्ञान देते हैं। तो इसका हमने 2-3 पेजेस पढ़ा था, तो संक्षेप में बताऊंगा हमने कल लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया, एंड देन वी विल कंटिन्यू। तो ब्रह्मा जी पहले तो कृष्ण के रूप का गुणगान करते हैं, वो बताते हैं कि आप जो भगवान जो आप मेरे सामने खड़े हैं श्याम सुंदर, यही पूर्ण पुरुषोत्तम रूप है। तो लोगों को ये लगना नहीं चाहिए कि कृष्ण का ये रूप काल्पनिक है, किसी ने आके ये काल्पनिक रूप बनाया है भगवान का। जैसे इस्लाम में उनका ये रूल है कि किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, आइडल वर्शिप। पर कृष्ण का जो रूप हम पूजा करते हैं ये आइडल वर्शिप नहीं है, ये किसी के कल्पना का रूप नहीं है, शास्त्रों में लिखा है। तो किसी ने ये रूप ऐसा ही बनाया नहीं है, शास्त्रों में ब्रह्मा जी लिख रहे हैं वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, नंद महाराज के पुत्र हैं, वो मेरे सामने खड़े हैं पीतांबर पहन के,
उनके सर पे मोर पंख है और वनमाला उन्होंने पहना है। तो हम ब्रह्म संहिता से भी कोट कर रहे थे क्योंकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी का ही श्लोक है, वो वर्णन करते हैं, वेनुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतांसम असितांबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये ऑथराइज शास्त्र है, ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कृष्ण का रूप क्या है, काल्पनिक नहीं है। तो कृष्ण वेनुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम, उनके हाथ में वेणु है और उनके आंख कमल की पुंखड़ियों की तरह है, लाइक अ लोटस पेटल। बरहावतांसम अशितांबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, और कृष्ण इतने सुंदर हैं लाखों कंदर्प कोटि कंदर्प, कंदर्प मतलब कामदेव, जो कामदेव सबको मोहित करते हैं, कोटि कंदर्प मिलके कृष्ण के रूप के जैसा समान नहीं रहेंगे, ये कृष्ण की सुंदरता है। और ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि वही कृष्ण हाथ में वो प्रसाद लिए जो उनके भक्तों ने अर्पण किया था, दही और जो चावल है फ्रूट्स हैं वो हाथ में लेके कृष्ण खड़े हैं। तो ब्रह्मा जी बताते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि आप साधारण बच्चे हैं। पहला तो देखिए ये ब्रह्मा जी के प्रार्थना में कितना तत्व ज्ञान है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं पहला प्रतीत होता है कि आप साधारण बच्चे हैं, जनरली बच्चे बुद्धिमान नहीं होते है कि नहीं, और वो भी कृष्ण कौन है, ग्वाला है। आप किसी को प्रोफेशन पूछो, आपने क्या पढ़ाई किया है, क्या प्रोफेशन है, कोई बोलेगा काउहर्ड, गाय चराता हूं, मतलब लोग उसको निकाल देंगे है कि नहीं। आप 5-star होटल में जाके बोलो मेरा प्रोफेशन क्या है, गाय चराता हूं, वो बोलेंगे एंट्री नहीं बाबा, यू नो तुम्हारा डिजिग्नेशन है। तो आजकल सब कार्ड में अच्छा एक डिजिग्नेशन होना चाहिए है कि नहीं, मैनेजर ये वो फलाना फलाना, तो कौवर्ड बोलेंगे तो निकाल देंगे, अनपढ़ गवार है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आप देखो पहले तो बच्चे हैं उसके ऊपर गाय चरा रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप मूर्ख हैं, पर मेरा रूप देखो मैं एक सर वाला नहीं 4 सर वाला हूं। और ब्रह्मा जी का पूरा रूप धरती से नहीं बना है, हमारा पंच महाभूत से बना है, पंचमहाभूत और मन बुद्धि अहंकार उसका मिश्रण है हमारा शरीर, और ब्रह्मा जी का पूरा शरीर ऊपर से नीचे है बुद्धि से ही बना है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है मैं बुद्धिमान हूं और आप मूर्ख हैं, पर आपने साबित कर दिया कि आप बुद्धिमान हैं मैं मूर्ख हूं। इसलिए इंग्लिश में कहावत है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, पुस्तक को उसका कवर देख के जज मत करो। तो ब्रह्मा जी ने पुस्तक कृष्ण को साधारण बच्चे के रूप में देख लिया, पर अभी समझ गए कि कृष्ण साधारण बच्चे नहीं है। तो वृंदावन का ये महानता है, द सिंप्लिसिटी, वृंदावन का ऐश्वर्य है सरलता, वो सरलता हम वी विल मिसअंडरस्टैंड इट, हमको लगेगा कि यह साधारण गांव है, पर यह साधारण गांव नहीं है, वैकुंठ से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हैं आपका जो रूप है मेरे रूप जैसा नहीं है, जैसा ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का रूप और हमारे रूप में फर्क क्या है, भगवान उनके कौन से भी इंद्रिय से बाकी इंद्रिय का काम कर सकते हैं। अगर हमको काना है तो मुंह से ही काना पड़ेगा, कान से खा सकते हैं क्या, नहीं, जो इंद्रिया है वही कार्य करना पड़ेगा, पर भगवान आंखों से खा सकते हैं, इसलिए जब हम भोग लगाते हैं भगवान स्वीकार करते हैं, मुंह से नहीं खाते भगवान आंखों से खा लेते हैं। तो वैसे ही भगवान हर एक इंद्रिय से दूसरा इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हैं मैंने आपके चरण के प्रति अपराध किया है, अगर मैं इतना बुद्धिशाली होके आपका ये बाल्य रूप समझ नहीं सकता, किशोर रूप तो छोड़ दो किशोर रूप का, ये बाल्य रूप मैं समझ नहीं सकता, बाकी लोग क्या समझेंगे। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि।
तो बताते हैं वेदेशु दुर्लभम। कोई बोलेगा अरे वेद से भगवान को समझेंगे, ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी का एक नाम है वेद गर्भ। वो गर्भ में ही विष्णु से आए हैं, वेद लेके आए हैं। इसलिए मेरे पास अभी चित्र नहीं है, पर अगर आपने इस्कॉन का एक पेंटिंग देखा है ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे हैं और उनके हाथ में पुस्तक है, वेद है। तो ब्रह्मा जी का जन्म होता है वेद से, उन्होंने वेद की रचना की। तो अगर किसी को लगेगा मैं वेद पढ़ के भगवान को समझूंगा, तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैंने वेद की रचना की, मैं कृष्ण को समझ नहीं सका अपने बुद्धि से। तो अगर भगवान को वेद से समझ नहीं सकते तो कैसे समझेंगे? वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान को समझने का एक ही तरीका है, भक्ति। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान बोलते हैं बाकी धर्म को छोड़ो, मेरा आश्रय लो। जैसा अभी दामोदर महीना शुरू हुआ है, तो दामोदर कथा फिर कभी करेंगे, वो करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो दामोदर कथा के अलग अलग सीख हैं। तो जब कृष्ण यशोदा मक्खन बना रही है, मंथन कर रही है मक्खन का, तो कृष्ण छोटे बालक हैं, बिस्तर से उठ के आके यशोदा के ये मथनी को, चरणी रॉड को पकड़ लेते हैं। तो आचार्य बताते हैं भगवान जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण रहता है। तो आचार्य बताते हैं भगवान यशोदा के मथनी क्यों पकड़ते हैं। तो भगवान बता रहे यशोदा को और यशोदा के माध्यम से हम सबको कि हे माते, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मंथन करने की क्या जरूरत है। तो ज्ञानी है शास्त्र का मंथन करते हैं, सत्य क्या है वो ढूंढ रहे हैं, परम सत्य। तो कृष्ण बताते हैं मैं ही परम सत्य हूं, मंथन करने की जरूरत नहीं है। इसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रिसर्च है सब्जेक्ट मैटर, स्वीकार करो। इसलिए कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मेरे से वेद आया है और वेद का लक्ष्य है मुझे जानना। श्रील प्रभुपाद के पास एक बार कोई वेदांत साये थे जो वेद के बहुत बड़े पंडित थे, तो सब आते हैं श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए। और प्रभुपाद उनको पूछते हैं आप सब लोग बहुत बड़े ज्ञानी हो, वेद पढ़ा है, तो सरल भाषा में मुझे बताइए, मैं तो उतना ज्ञानी नहीं हूँ, सरल भाषा में बताइए भगवान कौन है, हु इज गॉड। तो ये लोग बोलते हैं अरे बाबा सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैटर है, ये तुरंत थोड़ी ना उत्तर देंगे, समय चाहिए हमको एक्सप्लेन करने के लिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं अरे आपने वेद पढ़ा है, एक सेंटेंस में बता नहीं सकते। उस समय एक छोटी बच्ची रहती है, आपने फोटो देखा होगा प्रभुपाद का उसके साथ, सरस्वती छोटी बच्ची थी, इस्कॉन की पहली गोपाल स्वन स्कूल की बच्ची है कि नहीं। तो हमारा इस्कॉन का पहला कपल था जिसका शादी श्रील प्रभुपाद ने स्वयं कराया, श्याम सुंदरपुर और मालती माता जी, तो उनकी ये बच्ची थी सरस्वती। तो प्रभुपाद इन सबके सामने जो बुजुर्ग ज्ञानी है वेदांत से, उनके सामने सरस्वती को बुलाते हैं और पूछते हैं सरस्वती, और प्रभुपाद के हाथ में कुकी रहता है क्योंकि बच्ची से उत्तर देना है तो कुछ देना तो पड़ेगा उसको, है कि नहीं। तो प्रभुपाद कुकी दिखा के पूछते हैं सरस्वती हु इज गॉड। तो सरस्वती बोलती है 2 साल भी नहीं हुआ उसका, आई बापा मम्मा बापा भी बोल ठीक तरह से बोलती नहीं है, पर ये समझ गई वो इस्कॉन में 2 साल का भी बच्चा सार समझ जाता है कि नहीं। तो बहुत कॉन्फिडेंटली वो बोलती है कृष्णा इज गॉड। तो प्रभुपाद उसके हाथ में कुकी देते हैं। तो प्रभुपाद फिर से पूछते हैं हु इज कृष्णा, सरस्वती बोलती है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, पूर्व पुरुषोत्तम भगवान। प्रभुपाद बोलते हैं शाबाश और एक कुकी। और प्रभुपाद बोलते हैं देखो इस्कॉन का बच्चा भी वेद का सार जानता है, आप सब लोग इतना पढ़ के वेद का सार समझ नहीं पाए। तो ब्रह्मा जी यहां पे बताते हैं बहुत क्लियरली कि भगवान को समझने का तरीका तर्क विचार नहीं है। भजगोविंदम 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 मूढ़मते संप्राप्ते सन्हीते काले नहीं नहीं रक्षति दुक्रं करने। शंकराचार्य जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं वो बताते हैं उनके अंतिम दिनों में कृष्ण की भजन करो, क्योंकि ये ज्ञान व्यान संस्कृत आपको बचाएगा नहीं, व्याकरण व्हाट विल हेल्प यू, वर्शिप कृष्णा। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु गया जाते हैं, गया गए थे तो समय उनको ईश्वरीपुरी मिलते हैं और ईश्वरपुरी से वो दीक्षा स्वीकार करते हैं।
तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित हैं, बहुत बड़े वेरी ग्रेट स्कॉलर संस्कृत के, उनके गुरु ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु को बोलता है आप मूर्ख हो, आप वेद समझ नहीं पाओगे, इसलिए मेरा आपके लिए एक सजेशन है, आप महामंत्र का जप करो बस। तो देखिए ब्रह्मा जी भी यही चीज बता रहे हैं, वेदेश दुर्लभम, कोई तर्क विचार करके भगवान को समझने का प्रयास करेगा नहीं होगा। जैसे कोई खेती करता है धान्य का, चावल का, जो उसको क्या बोलते हैं हार्वेस्टिंग करने के बाद व्हाट यू कॉल दैट प्रोसेस, बीटिंग द हस्क, पाउंडिंग द राइस, तो जब वो धान को मारते हैं उसके ऊपर जब चावल निकल जाता है वो हस्क ऐसा ही रहता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके अंदर दान है, यू नो, धान्य है, चावल है। उसके बाद आप कितना भी मारो कुछ निकलने वाला नहीं है, जैसा गन्ने का जूस है पूरा निकाल के, राइट, नींबू डाल के, पानी डाल के सब जूस निकाल लिया, उसके बाद और क्या निकलेगा। तो वैसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अगर कोई तर्क विचार से भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इट इज बीटिंग एम्प्टी हस्क, श्रम एव ही केवलम, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये कौन बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि समय व्यर्थ मत करो, और खासकर कलयुग में, प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जन मंद सुमंद मतयोर मंद भागे उपद्रत। तो कलयुग में आयु बहुत कम है कि नहीं, आयु छोटा है, उसमें से बहुत सारा समय जाता है अलग अलग चीजों में, है कि नहीं, व्हाट्सएप, इतना सो मच डिस्ट्रैक्शन है, समय बहुत कम है, इसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे शास्त्र का, भगवान कौन है मैं ढूंढूंगा, जब तक आपको पता चलेगा भगवान कौन है आपका अंत समय आएगा। ऐसे श्रील प्रभुपाद बहुत साधारण उदाहरण देते थे कि अगर कोई छोटा बच्चा है अपना पिता कौन है जानना चाहता है, तो बच्चा बोलेगा मैं रिसर्च करूंगा, जेनेटिक टेस्टिंग करूंगा, पिता मिलेंगे भी वो प्रोसेस से, जब तक पिता मिलेंगे हरी बोल जो भी बोलेगा हाय हेलो, पिता भी गुजर जाएंगे, समय निकल जाएगा, इसलिए माँ से पूछो। तो वैसे ही ब्रह्मा जी बता रहे हैं सिर्फ भक्ति के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तो गीता में भगवान बोलते हैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है, गुरु के शरणागति में जाओ एवं परंपरा प्राप्तम, जो परंपरा में आए हैं और उनकी सेवा करो, वो बताएंगे भगवान कौन है। जैसे ये सरस्वती के और एक कहानी है श्रील प्रभुपाद के साथ, सरस्वती का एक डॉल था, गुड़िया था, कृष्ण का गुड़िया था, तो प्रभुपाद ये बच्चे के साथ खेलते थे बहुत बार, प्रभुपाद दादाजी की उम्र के थे, बच्चे के साथ खेलते थे, तो उनके माता पिता थे थोड़े भक्त थे, तो प्रभुपाद ये गुड़िया लेके छुपा लेते हैं, तो प्रभुपाद पूछते हैं सरस्वती वेयर इज कृष्णा, तो सरस्वती ढूंढ रही है कृष्ण को, ठीक है, सब जगह कृष्ण किधर है, सोफा के पीछे है, क्या कहाँ है। तो ऐसा भाव हमको लाना चाहिए जिंदगी में, कृष्ण किधर है, हे राधे व्रज देवी के च ललिते हे नंद सुनो कुतो। ये गोस्वामियों का भाव था, वृंदावन में अलग अलग जगह पे जाते थे, गोवर्धन के तट पे, यमुना के तट पे, अलग अलग वन में जाते थे, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, है कि नहीं, वो लौल्यता किधर है हमारे पास, है कि नहीं। तो कृष्ण को पाने के लिए वो लौल्यता चाहिए, तो ये सरस्वती ढूंढ रही है, उसके लिए कृष्ण वो गुड़िया था, तो कृष्ण किधर है ढूंढ रही है, कृष्ण मिलते नहीं है। उसकी जो माँ है सरस्वती की माँ, मालती माता जी, वो सरस्वती को बोलती है सरस्वती हु हैज कृष्णा। तो सरस्वती सोचने लगती है हु हैज कृष्णा, थोड़े समय बाद उसको उत्तर मिलता है प्रभुपाद हैज कृष्णा, क्योंकि प्रभुपाद आए हैं कृष्ण देने के लिए, और प्रभुपाद स्टाइल से कृष्ण को निकाल के देते हैं, तो कृष्ण किसके पास है, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो तुम्हारे शक्ति आचे। कृष्ण किसके प्रॉपर्टी है, भक्तों के प्रॉपर्टी है, भक्त कृष्ण को देते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी यहां पे बता रहे हैं तर्क विचार मत में समय व्यर्थ मत करो, कृष्ण का आश्रय लो। तो आगे बताते हैं कि भक्ति का मार्ग इतना शक्तिशाली है कि व्यक्ति कितना भी पतित रहेगा, भक्ति का आश्रय लेके उसका उद्धार हो सकता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत धर्म निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि नमे भक्त प्रणश्यति।
अपिचेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भा साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। तो कृष्ण गीता में बताते हैं अगर किसी का किसी ने बहुत सारा पाप भी किया है पर भक्ति के मार्ग में लगा है निश्चित रूप से उसको भगवान की कृपा मिलेगी। और ब्रह्मा जी बताते हैं अगर किसी को भक्ति करना है तो कैसे करना है, हियरिंग एंड चैंटिंग। तो ब्रह्मा जी का क्या सुझाव है, भगवान को जानना है भगवान को समझना है तो कौन सा माध्यम है, भक्ति, डिवोशनल सर्विस। और डिवोशनल सर्विस मतलब क्या, सिंपली बाय बीइंग अटैच टू चैंटिंग एंड हियरिंग। सरल मार्ग क्या करना है, श्रवण कीर्तन बस। और इस्कॉन का यही जिंदगी है, श्रवण करो कीर्तन करो, जो सुना है दूसरे को बताओ। जैसे सरस्वती छोटी बच्ची है, ज़्यादा शास्त्र समझा नहीं वो, पर एक चीज़ समझ गई, बार बार उसे सुना है कृष्णा इज गॉड कृष्णा इज गॉड, वो प्रचार करती थी। छोटी सी सरस्वती प्रचार करती थी, कैसे करती थी, जो मंदिर में आते थे या पंडाल प्रोग्राम में सरस्वती पुस्तक लेके जाती थी। इतनी छोटी बच्ची इमेजिन करो, 2 साल की बच्ची पुस्तक लेके जाती है गीता, और किसी का धोती खींचती थी या पैंट खींचती थी और ऐसा देखता था वो, क्या है इसको क्या चाहिए, तो बोलती थी कृष्णा इज गॉड, कृष्णा भगवान है, ये लो गीता बस। प्रभुपाद बोले शी इज अ प्रीचर, प्रचारक है। प्रचारक के लिए एक PhD की जरूरत नहीं है, कोई स्टैम्प देगा प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा है भारत भूमि तो होइला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जन्म मिलाना भारत भूमि में, प्रचार शुरू। तो रुकना नहीं है, कोई आके क्रीड़ा पहनाएगा प्रचारक, जो सुना है दूसरों को सुनाओ। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आपने इतना ही सुना है कृष्णा इज गॉड, दो तीन लोगों को जाके प्रचार करो, जो भी सुना है रिपीट इट एज इट इज, दैट इज द सक्सेस। थोड़े दिन पहले मध्वाचार्य का 13वां दिन था, तो एक कोई भक्त शिला प्रभुपाद के पास आके बोले मध्वा संप्रदाय से कि प्रभुपाद आपका जो तात्पर्य है मध्वाचार्य से बहुत मिलता जुलता है। प्रभुपाद बोले ये मेरा सफलता है, इट इज माई सक्सेस, पैरेट लाइक आई एम रिपीटिंग, मैं कुछ अलग सा लिख के नहीं ला रहा हूँ। तो हमको शास्त्र पढ़ना है एज इट इज, रिपीट करो एज इट इज, बस उतना ही। तो इसलिए ब्रह्मा जी बताते हैं किसी को नित्य रूप से भगवान के सानिध्य में रहना है। हम सब चाहते हैं भगवान हमारे पास हमेशा रहे, है कि नहीं, तो तरीका क्या है, ब्रह्मा जी बताते हैं देयरफोर ऑलवेज कीप इन टच विथ योर हियरिंग एंड चैंटिंग एंड इन दिस वे पर्सन कैन रिमेन कनेक्टेड टू यू। अगर हम हमेशा श्रवण कीर्तन करते रहेंगे कंटिन्यूअसली नित्यम भागवत सेवया, हम भगवान के ही संपर्क में रहेंगे। और ये करने से क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे जितने भी अनर्थ हैं वो सब मिटेंगे। श्रृण्वता सुकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सरत सताम। नित्य रूप से श्रवण करने से, हाँ नित्यम भागवत सेवया, तो जब नित्य रूप से हम श्रवण कीर्तन करेंगे तब हमारे सब अनर्थ मिटेंगे। तो आगे वर्णन करते हैं कि भगवान, वेदों में वर्णन आता है कि भगवान निर्गुण है। निर्गुण का मतलब क्या है, जनरल डेफिनेशन है लोगों का कि भगवान का कुछ गुण ही नहीं है, क्वालिटी लेस, जैसे बाकी धर्म में होता है। इस्लाम में भगवान का रूप नहीं है, भगवान का गुण नहीं है, तो इसका यह मतलब है कि भगवान का भौतिक गुण और रूप नहीं है। पर भगवान का गुण कैसा है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल, और भगवान का रूप दिव्य है। तो जैसे ब्रह्मा जी यहां पे बता रहे हैं भगवान के इतने गुण हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं अगर कोई वैज्ञानिक रहेगा, अगर कोई ऐसा माइका लाल रहेगा जो बोल सकता है कि मैं दुनिया का जितना भी अणु है एटम्स है उसका गिनती करूंगा, है कि नहीं, हम अपने आप को समझते हैं बहुत बड़े हैं, हम कितने छोटे हैं। जो कैलकुलस, कैलकुलस किसने लिखा था, न्यूटन ना, न्यूटन ही राइट ही कम्स विद दिस थियरी कॉल्ड कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब क्या है पता है, पेबल्स। वो अपना ये थियरी लिखते हैं न्यूटन, और वो सोच रहे हैं क्या नाम दूँ इसको, सो शायद ग्रीक भाषा में वो कैलकुलस देते हैं। कैलकुलस का मतलब क्या है, पेबल्स। तो न्यूटन जब समुद्र के तट पे जाते हैं वो देखते हैं कि बहुत सारे पत्थर तट पे पड़े हैं, वो बोलते हैं मेरा ज्ञान, मेरा जो थियोरी एक पत्थर की तरह है। तो समुद्र में कितने सारे पत्थर हैं,
अनगिनत है कि नहीं। तो जितना हम ये प्रकृति भी पढ़ेंगे हमको समझ में आएगा कि हम बहुत तुच्छ हैं, वे वेरी इनसिग्निफिकेंट। हम बहुत घमंड कर सकते हैं, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। हम मीरामार बीच में जाके रेत गिनती कर सकते हैं क्या, कितना रेत है? कोई है जो बता सकता है? अमेरिका का प्रेसिडेंट जो भी है, नासा जो भी है, बता सकता है क्या मीरामार बीच में कितना रेत है? सवाल ही नहीं है। कोई जितने भी एटम्स है उसका गिनती बता सकता है क्या, हाउ मेनी एटम्स आर देयर? नहीं बता सकता। तो ब्रह्मा जी बताते हैं ऐसा कोई व्यक्ति भी रहेगा ब्रह्मांड में कितने एटम्स है उसका गिनती बता सकता है, पर भगवान का गुण का कभी अनंत, जो अनंत गुण है उसका वर्णन कर ही नहीं सकता। अनलिमिटेड क्वालिटीज, इसलिए भगवान के एक नाम है अनंत। तो वर्णन करते हैं भगवान का गुण इतना है, अगर आपने सीमा भी लगा लिया, मैं समझ गया भगवान के इतने गुण हैं, अगला क्षण वो गुण बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट मोमेंट इट इंक्रीजेस। इवन इफ यू हैव अंडरस्टूड, अगर आपको लगेगा समझ गया मैं कृष्ण को, अगला क्षण कृष्ण का गुण बढ़ जाता है। आनंदामुदि वर्धनम, ऐसा हरिनाम करते हैं, हरिनाम का एक रिजल्ट है जो आनंद है बढ़ता रहता है। ये दुनिया में कभी अनुभव होता है क्या, आनंद बढ़ता है? यहाँ का आनंद घटता है, सुख घटता है। जब कुछ चीज प्राप्त करते हैं सबसे पीक रहता है आनंद का, सुख का, अगला दिन धीरे धीरे नॉर्मल बनता है, व्यक्ति नॉर्मलाइज हो जाता है कि नहीं। पर भगवान का भक्ति में भगवान के गुण इतने हैं, अनंत हैं। इसलिए वही शास्त्र को हम बार बार भी पढ़ेंगे, अलग अलग चीज हमको समझ में आएगा, वी विल अंडरस्टैंड न्यूअर एंड न्यूअर थिंग्स। इसलिए श्रील प्रभुपाद उनके स्वयं के पुस्तक को पढ़ते थे। जनरली जो लेखक है अपना स्वयं का पुस्तक क्यों पढ़ेगा, पर प्रभुपाद का विश्वास था ये मेरा पुस्तक नहीं है, ये भगवान का पुस्तक है। सो दिस इज वॉट वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो ब्रह्मा जी बताते हैं किसी को समय तर्क विचार में वेस्ट नहीं करना है, और ये समझना है कि ये दुनिया में जो भी कष्ट आते हैं या सुख आते हैं वो अपने समय के अनुसार आएंगे। तत्ते अनुकंपा सु सुमिक्ष मानो गुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुबीर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति सदाई भात। तो यही अध्याय में ये श्लोक आता है। ब्रह्मा जी बताते हैं भक्त का दृष्टिकोण क्या है, वो ये दुनिया का सुख प्राप्त करने के लिए समय व्यर्थ नहीं करता, या दुख से भागने के लिए समय व्यर्थ नहीं करता, क्योंकि उसको पता है जो भाग्य में आना है वो आएगा। जैसा दुख है हम प्लान करते हैं क्या मेरे जिंदगी में दुख आएगा, अपने आप आता है एक नहीं दुख, तो वैसे सुख भी अपने आप आएगा, भौतिक सुख प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भक्तों को कैसा जिंदगी बिताना चाहिए, ब्रह्मा जी ये एक श्लोक में बताते हैं कैसा बिताना चाहिए, सहन करते हुए। हृदवाग वपुबीर विदधन नमस्ते, भक्त मतलब हर एक अवस्था पे भगवान को धन्यवाद बोलता है, हर एक चीज में भगवान का हाथ देखता है, भगवान क्यों रचा रहे मेरे जिंदगी में, वाई इज कृष्णा डूइंग दिस इन माई लाइफ। तो जो भी होता है, जो भी कष्ट भी आते हैं उसके पीछे एक कारण है। एक व्यक्ति था जो रस्ते पे चल रहा था और रस्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है, और सडनली भगवान का आवाज सुनाई देता है उसको, पत्थर को पुश करो। तो बोलता है अरे भगवान ने आदेश दे दिया, अकेला है रस्ते पे, पूरा इतना बड़ा पत्थर को पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, पुश कर रहा है। थोड़े दिन बीत जाते हैं पत्थर हिलता ही नहीं है, तो भगवान आते हैं देखने के लिए, फॉलो क्या कर रहा है, ऑर्डर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो भगवान आके देखते हैं क्या चल रहा है, बोलते भगवान क्या ऑर्डर दिया आपने, पुश कर रहा हूँ हिल ही नहीं रहा है। तो भगवान ने बोला मैंने सिर्फ पुश करने के बोला था, हिलाने के लिए नहीं बोला, आपका कार्य क्या है पुश करो, पर आपको लग रहा है कि बेकार है मेहनत, पर आपका मसल्स देखो बढ़ गया है। तो वैसे ही जब कष्ट आते हैं, व्हेन यू पुश अगेंस्ट ऑब्स्टिकल्स, तब क्या होता है हमारा इंटरनल मसल्स बढ़ता है, वी बिकम इंटरनली स्ट्रांग। तो ब्रह्मा जी बताते हैं भक्तों का ये दृष्टिकोण होना चाहिए, जो भी आता है भगवान को धन्यवाद बोलना सीखता है और करता है, ये भक्त का लक्षण है। तो इसलिए आप शास्त्र पढ़ोगे, जितने भी महान भक्त हैं कोई भगवान को कोसता नहीं है उनके कष्ट समय में, नो वन कर्सेस। सीता जी जब रहती है लंका में एक साल, भगवान को कोसती नहीं है, भगवान मैं तो आपकी अर्धांगनी हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों, वाई मी,
भक्त कभी पूछते नहीं है। जब पांडव वनवास में थे कभी उन्होंने पूछा नहीं, भगवान हम तो आपके ही रिश्तेदार हैं, आपके ही परिवार के बंधु हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों। परीक्षित को जब श्राप मिलता है वो पूछते नहीं है, बोले भगवान का वरदान है। तो हर एक चीज में भगवान का हाथ देखना और ऐसे रूप से जिंदगी बिताना इन एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, भगवान को धन्यवाद बोलते हुए। क्योंकि जब अच्छा चलता है कोई भी धन्यवाद बोलता है, जब कष्ट आता है वो कष्ट में भी भगवान को धन्यवाद बोलना, उसको भी भगवान का प्रसाद देखना, वो भक्ति कर सकता है। तो वो भागवतम का एटीट्यूड है। भागवतम से हमको सीखना है अलग अलग परिस्थिति में भक्त कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो एक तो जनरल रिस्पॉन्स है, एक तो भक्त का रिस्पॉन्स है। तो बद्ध जीव है हम, बद्धावस्था है, जनरल रिस्पॉन्स रहेगा, पर धीरे धीरे हमको भक्तों की तरह आना है। भक्तों की जिंदगी में जब कष्ट आया उन्होंने कैसा देखा है इसको, वी हैव टू कल्टीवेट दैट। और ब्रह्मा जी बताते हैं अगर भक्त ऐसा जिंदगी जिएगा, कैसे, सुख या दुख में, सुखे दुखे बोले ना को वदने हरि नाम बोलो रे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं सुख या दुख गृहता को वने ताको सदा हरि बोले ताको। अब गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, जो भी है, क्या करना है, सदा हरि बोले ताको, हमेशा हरे कृष्णा बोलो। हमारे कृष्णानंद प्रभु हमेशा बोलते हैं, अच्छा नौकरी मिला तो क्या बोलना है, हरे कृष्णा, है कि नहीं। अच्छा बड़ा बंगला मिला क्या बोलना है, हरे कृष्णा। जॉब चला गया तो क्या बोलना है, हरे कृष्णा। जो भी होता है हमारे एक ही रिस्पॉन्ड है, एक ही रिस्पॉन्स है, वो क्या है, हरे कृष्णा। इसलिए प्रभुपाद ने ये संस्था का नाम रखा है हरे कृष्णा मूवमेंट। जो भी है एक ही रिस्पॉन्स सीखो, जैसे मशीन होता है प्रोग्राम रहता है, तुम कुछ भी डालो फीडबैक अंदर एक ही आउटपुट देगा। तो भक्त मतलब ये प्रैक्टिस करना है, हरे कृष्णा हर एक अवसर हर एक मोड़ पे बोलना है। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सधाई बाह को बोलते हैं, ऐसा भक्त को निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति होगी। ये ब्रह्मा जी का प्रॉमिस है, आश्वासन है। कैसे जिंदगी जीना है, जिंदगी बिताते हुए भगवान की भक्ति करना है, श्रवण कीर्तन, और हर एक अवसर पे भगवान को धन्यवाद देना है, भगवान आपका जो कृपा। हाँ, सीताराम 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 कही है, जाहे विधि राके राम ताहे विधि रही है। तो हमेशा सीताराम बोलना है, जैसे भगवान रखे वैसा रहना है, महल में रखे झोपड़ी में रखे भगवान का जो इच्छा है कि नहीं। इन एवरी सिचुएशन आर रिस्पॉन्स इज सेम। सुदामा जी जब कुटिया में थे और द्वारका से आने के बाद उनको महल मिला, उनका रिस्पॉन्स लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ, सेम लाइफस्टाइल, सिंपल लिविंग। सिंपल लिविंग का मतलब है भक्ति पे फोकस करो, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो ऐसा करने से निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति को भगवत धाम मिलेगा। इनफैक्ट ब्रह्मा जी बोलते सधाई भाग, धाई भाग का मतलब है ही बिकम्स अ राइटफुल इनहेरिटेंट। जैसा एक बच्चा होता है, पुत्र होता है अपने पिता का, नेचुरली पिता जाने के बाद प्रॉपर्टी किसको मिलता है, पुत्र को ही मिलता है, उसको कुछ करने की जरूरत है क्या, पिता के साथ बना के रहेगा, पिता को छोड़ के नहीं जाएगा, पूरा प्रॉपर्टी तुमको ही आएगा। तो वैसे ही ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हमारे पिता भगवान श्री कृष्ण है और उनका प्रॉपर्टी क्या है, वैकुंठ गोलोक वृंदावन। भगवान हम सबको गोलोक वृंदावन देने के लिए तैयार है, मेरा प्रॉपर्टी आपका ही है, आ जाओ। क्या करना है, भगवान के साथ जुड़े रहना है, भगवान को छोड़ के नहीं जाना, बस अंत समय तक हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, भक्ति करेंगे, दैट विल बी आर राइटफुल क्लेम। हम जाके क्लेम कर सकते हैं वहां के लोग को। तो आगे ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि भगवान मुझे माफ कीजिए, मैं आई बिकेम वेरी प्रिजम्पशुअस, मैंने आपको जजमेंट करके मैंने ये समझा कि आप साधारण व्यक्ति है, पर आज मेरा दिमाग ठिकाने पर आया है, कमिंग टू माई सेंसेस, मुझे अभी समझ में आया आप सर्वशक्तिशाली हैं। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक साइंटिस्ट होता है एटम बॉम्ब का टेस्ट करता है, एटम बॉम्ब बनाना न्यूक्लियर स्ट्रेंथ, वो देश का बहुत बड़ा एक प्रसिद्धि होता है, एटम बॉम्ब न्यूक्लियर वेपन हमने तैयार किया, कितने सारे न्यूक्लियर वेपन है इंडिया को पाकिस्तान को, वो एस्टिमेट लगता है देश का शक्ति, एटम बॉम्ब हमने टेस्ट किया। तो आपको बहुत घमंड आएगा आपने एटम बॉम्ब टेस्ट किया, पर आप सूर्य लोक में
इफ यू गो टू द सन और बोलेंगे यहाँ पे मैंने एटम बॉम्ब टेस्ट किया, यहाँ पे आपका एटम बॉम्ब बहुत बड़ा रहेगा, पर सूर्य लोक में द सन प्लैनेट आपका एटम बॉम्ब का क्या वैल्यू, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, एक स्पार्क की तरह भी नहीं है। तो वैसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, बहुत बड़ा योगिक सिद्धि मैंने दिखा दिया आपके सब दोस्तों को और बछड़ों को लेके गया, पर आज मुझे समझ में आया आपकी शक्ति के सामने मेरा शक्ति कुछ भी नहीं है, वेरी इनसिग्निफिकेंट। जैसे जुगनू होता है ना, फायरफ्लाई जुगनू बोलते हैं, ऐसा रात के समय बहुत चमकता है, उसको लगता है कि सब लोग मेरा फोटो निकालो, मैं ही हीरो हूँ इधर का, रात का राजा या रात की रानी जो भी है। बट सूरज जब निकलता है वो जुगनू किधर है समझ में भी नहीं आएगा, भाई गायब हो गया है कि नहीं। तो जब तक भगवान नहीं आते हैं तब तक हर व्यक्ति अपना लीला कर सकता है, अपना शक्ति दिखा सकता है, पर भगवान जब आएंगे सबका लीला समाप्त होता है, कृष्णा टेक ओवर करते हैं, राइट। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टील द शो, राइट। जब कृष्णा आते हैं सब फीका पड़ते हैं, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अभी मैं नम्र हो गया, इसलिए ब्रह्मा जी कृष्ण को बुलाते हैं अच्युत, तो भगवान के एक नाम है अच्युत। तो इसके अलग अलग अर्थ हैं, एक तो अर्थ है जो भगवान जिनका कभी पतन नहीं होता, तो हालांकि भगवान ग्वाला का कार्य कर रहे हैं, निम्न सेवा है, या भगवान कभी पार्थ सारथी बनते हैं, फिर भी भगवान अच्युत हैं, कार्य नीचे श्रेणी का रहेगा पर उनका स्तर नीचा कभी होता नहीं है, इज ऑलवेज गॉड। तो यहां पे बताते हैं भगवान अच्युत का और एक अर्थ है, भगवान भक्तों के सेवा को कभी नहीं भूलते, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आप भूल जाएंगे आपने क्या क्या सेवा किया भगवान का, भगवान कभी नहीं भूलेंगे, कृष्णा विल नेवर फॉरगेट। आज सुबह हम कार्तिक महीने का वर्णन कर रहे थे भागवतम क्लास में, तो वर्णन आता है अगर हम एक दिया भी दिखाएंगे भगवान को, अभी हम करने वाले हैं, भगवान नोट करके रखते हैं, जब वैकुंठ लोक में जाते हैं वहां पे गुणगान होता है, इसने इतना दिया दिखाया, और हजारों मुख से वो लोग गुणगान करते हैं, किसका, एक दिया दिखाने का, खासकर कार्तिक महीने में। तो इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं हे भगवान आप तो अच्युत हैं, आपका भक्तों के प्रति प्रेम कभी घटता नहीं है और भक्तों का सेवा आप कभी भूलते नहीं है। तो ब्रह्मा जी देखिए बहुत, जैसे एक एडवोकेट होता है ना, अपना केस प्रेजेंट करता है जज के सामने, है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि अपराध तो कर दिया है कि नहीं, अभी कृष्ण के सामने माफी मांगना है, केस प्रेजेंट करना है, बहुत बुद्धिमत्ता से केस प्रेजेंट कर रहे हैं। पहले तो कृष्ण का सुंदरता का रूप वर्णन करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं, और अभी बता रहे हैं भगवान आपका गुण है आप अच्युत हैं, भक्तों के सेवा को कभी भूलते नहीं है, और मैं तो आपका फेथफुल सर्वेंट हूं, तो थोड़ा बहुत गलती हो गया, मैं रजोगुण का देवता हूं, गुण अवतार हैं ब्रह्मा जी, सत्वगुण विष्णु संभालते हैं, तमोगुण शिवजी संभालते हैं और रजोगुण ब्रह्मा जी संभालते हैं, क्योंकि पैशन का कार्य कर रहा हूं, थोड़ा बहुत तो गलती होगा ही, पैशन मतलब थोड़ा तो अहंकार आएगा ही, पर मैं तो आपका दास हूं, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता रहा हूं आपका नाम अच्युत है, मेरा ये गलती को भूल जाओ और मैंने जो सेवा किया उसका स्मरण करो, है कि नहीं। बहुत सारा सेवा किया मैंने, सृष्टि का निर्माण किया है आपके लिए, उसका स्मरण करो और मुझे माफ करो। तो बताते हैं कि ब्रह्मा जी कि जैसे एक व्यक्ति का शरीर होता है, बताया जाता है हाथ का 7 क्यूबिट्स, हर एक व्यक्ति का जो हाथ है 7 माप, 7 माप हर एक व्यक्ति का शरीर होता है, ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्णन है ब्रह्मा जी ये जो ब्रह्मांड है हमारे लिए बहुत विशाल है ब्रह्मांड, पर ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ब्रह्मा जी के शरीर का 7 माप ये ब्रह्मांड का साइज है, हमारे लिए बड़ा है पर ब्रह्मा जी के लिए बड़ा नहीं। और कितने सारे ब्रह्मा जी हैं, तो वर्णन आता है जैसे यहाँ पे तो खिड़की नहीं है, हमारे आश्रम में वो नेट है, मस्किटो नेट, सुबह जब सूरज की किरणें आती है ऐसा लाखों वो जो क्या बोलते हैं डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, गिनती कर सकते हैं क्या कितना डस्ट पार्टिकल्स। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं वैसे ही महाविष्णु के शरीर से इतने सारे ब्रह्मांड आते हैं। तो ब्रह्म संहिता में श्लोक है
यह कार नाव जले बजतिस्म योग निद्राम अनंत जगतंद सरोम कूपा आधार शक्तिम अवलंब्य पराम सो मूर्तिम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बजामि। यह कार नाव जले बजतिस्म योग। तो ये कारण दक्षाय विष्णु है, क्या कर रहे हैं? कारण सागर कॉजल ओशन में लेटे हैं, बजतिस्म योग निद्र योग में है, योग निद्राम। तो जनरली हम जब सोते हैं हमारे सोने से कुछ कार्य होता है क्या, क्रिएशन होता है क्या? कार्य करने के लिए जागना पड़ता है। अरे सो के ही सपना देखता रहेगा, असलियत नहीं होने वाला है कि नहीं? पर भगवान विष्णु देखो कितने महान हैं। विष्णु महान स यस्य कला विशेषो, इतने महान है सोते हुए योग निद्रा में अनंत जगतंद सरोम कूपा, उनके शरीर के हरेक छेद से कूप से ब्रह्मांड निकलते हैं। गिनती कर सकते हैं क्या कितने स्किन पोर्स हैं? नहीं कर सकते, इतने सारे ब्रह्मांड। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं तो बहुत तुच्छ हूं, आई एम वेरी स्मॉल। मैं समझ रहा था मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, पर मुझे समझ में आया इतने सारे ब्रह्मांड है उसमें से मैं सबसे छोटा ब्रह्मा। तो देखिये ये ब्रह्मा जी का अस्तित्व है, हमारा कितना अहंकार रहता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं। श्रील प्रभुपाद एक बार, गुरु का कर्तव्य है शिष्यों को नम्र बनाना है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद एक बार अपने शिष्य तमल कृष्ण गोस्वामी को नम्र बना रहे थे, क्योंकि तमल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद के लिए इतना सेवा किया। जनरली व्यक्ति बहुत सेवा करता है तो उसको लगता है अरे मैं ही कर रहा हूं। तो श्रील प्रभुपाद हमारा एक जमाने में न्यूयॉर्क मैनहट्टन में हमारा एक स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग था, एक जमाने में था हमारा स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग, अभी नहीं है। तो प्रभुपाद वो स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग के ऊपर बैठ के भागवतम देते थे। इमेजिन करो पूरा स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग भक्तों से भरा है, हरि बोल आके बाहर चिल्लाते हैं। तो प्रभुपाद ये टेरेस में बैठ के भक्तों से वार्तालाप कर रहे हैं और प्रभुपाद बताते हैं देखो कितने सारे ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है। जैसा राई का दाना होता है मस्टर्ड सीड, गोनी भर के मस्टर्ड सीड है, कोई गिनती कर सकता है कितना है? तड़के में कितना गिरता है वही गिनती नहीं कर सकते, गोनी भर के क्या गिनेंगे? तो प्रभुपाद बताते हैं अपने शिष्यों को, इष्ट गोष्ठी चल रहा है, कि इतने सारे ब्रह्मांड है उसमें से हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट यूनिवर्स हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें से एक छोटा लोक है धरती भूलोक, उसमें से एक छोटा कॉन्टिनेंट है अमेरिका, उसमें एक सिटी है न्यूयॉर्क मैनहट्टन, पर उसमें एक छोटे बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ तमल कृष्ण को लगता है मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं पूरे ब्रह्मांड में। प्रॉपर जब नंबर बनाते हैं बहुत हार्ड बहुत हिटिंग है यू नो, तो ऐसा वो जो फुला हुआ अहंकार है उसको उड़ा देते हैं पिन डाल के। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं मुझे लग रहा था मैं बहुत महान हूं, आज समझ में आ गया आई एम वेरी इनसिग्निफिकेंट, पर मेरा आशा है आप तो अच्युत हैं मुझे माफ करेंगे। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसा लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, जैसा बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जब शिशु माँ के गर्भ में होता है कभी कभी माँ को लात मारता है, पर माँ को बुरा लगता है क्या? माँ तो कुछ करती नहीं। जैसे मैं बता रहा था हमारे गौशाला में गाय है बछड़ी है, वो बछड़ी माँ का दूध पीते पीते माँ को ही मारती है, पर माँ कुछ करती नहीं उसको चाटती है कि नहीं? क्यों? बच्चा है करेगा, नादान है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड आपका ही शरीर है, आपके शरीर में हम हैं, मतलब आपके गर्भ में हम हैं बच्चे की तरह, और कभी कभी हम गलती करते हैं, गलती करेंगे नादान बच्चे हैं, पर जैसा माँ अपने बच्चे को माफ करती है जो पेट में लात मारता है तो वैसे ही आप भी मुझे माफ कीजिए, प्लीज फॉरगिव मी। तो आगे वर्णन करते हैं कि हे भगवान आपका एक नाम है नारायण, भगवान को क्या बोलता है नारायण। ये नारायण का अर्थ क्या है? नार मीन्स द टोटल एग्रीवेट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, जितने भी जीव हैं उसको टोटल जीवों को सब जीव तत्वों को एक साथ लाएंगे तो उसको बोलते हैं नार। और अयन का मतलब है रेस्टिंग प्लेस, अयन इज रेस्टिंग प्लेस। सो भगवान सब जीवों के लिए आश्रय देने वाले रेस्टिंग प्लेस भगवान ही है। ये दुनिया में हम सब आश्रय ढूंढ रहे हैं रेस्टिंग प्लेस। जैसा कोई एक ट्रैवलर होता है
जो पूरे दुनिया में भ्रमण करता है, चलता रहता है, उसको क्या चाहिए? एक अच्छा जगह जहाँ पे वो विश्राम कर सके। थका हुआ व्यक्ति को विश्राम करने का जगह चाहिए। तो हम सब भौतिक रूप में ये दुनिया में ब्रह्मांड कर करके थक गए हैं। वी आर ऑल टायर्ड, थक गए हैं, और हम सब आश्रय ढूंढ रहे हैं कहाँ पे जाके सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, प्रेम मिलेगा, हम सब ढूंढ रहे हैं कि नहीं। तो भगवान नारायण है हम सब नरों को और मनुष्यों को आश्रय देने वाले भगवान है, राइट। तो इसलिए ब्रह्मा जी बताते हैं, तो यू आर द रेस्टिंग प्लेस, तो इसलिए हम सबको आपका आश्रय लेना है। तो नारायण का और एक अर्थ है, अयन मीन्स द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। अयन का मतलब है एक तो आश्रय, दूसरा जहां से पूरा ज्ञान आता है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं आप ही सबको ज्ञान देते हैं, मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं वही स्मृति देते हैं, वही ज्ञान देते हैं, और भूलने का भी शक्ति विस्मृति भी वही देते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि जनरली जो जीव ये भौतिक सृष्टि में पड़ता है वो अपना स्वरूप भूल जाता है, पर भगवान का आश्रय लेने से अपना स्वरूप फिर से याद कर सकता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं दिस जाइगेंटिक बॉडी ऑफ द यूनिवर्स इज अनदर मैनिफेस्टेशन ऑफ योर एनर्जी। ऑन अकाउंट ऑफ इज रेस्टिंग ऑन द वॉटर द यूनिवर्सल फॉर्म इज ऑल्सो नारायण एंड वी आर ऑल इन द वूम ऑफ दिस नारायण फॉर्म। तो बोलते हैं ये जो सृष्टि है तो वो भी भगवान का ही रूप है, विराट रूप है, और क्योंकि हम सब सृष्टि में हैं इसलिए हम सब नारायण का आश्रय ले रहे हैं। पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये देखिए आपका अद्भुत माया, इसको बोलते हैं अचिंत्य शक्ति, इनकंसीवेबल। भगवान को हम पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। जैसे मैं बता रहा था शिला प्रभुपाद एक बार अपने शिष्यों को बताते हैं हम वी कांट अंडरस्टैंड कृष्णा, हम कृष्ण को समझ नहीं सकते। तो एक शिष्य प्रभुपाद को पूछता है हम कृष्ण को समझ नहीं सकते तो आपने इतना सारा पुस्तक क्यों लिखा है? प्रभुपाद बोले ये सब पुस्तक पढ़ के आपको समझ में आएगा कि आप समझ नहीं सकते, है कि नहीं। तो वैसे ब्रह्मा जी बता रहे हैं आपका अचिंत्य शक्ति देखो, हाँ आप गर्भोदक सागर में लेटे हैं नारायण के रूप में, ये पूरा ब्रह्मांड भी आपका ही रूप है, नारायण का रूप है, और अभी आप मेरे सामने भी हैं नारायण, मेरे हृदय में भी हैं। तो कितना अद्भुत है, इतो नरसिंगो परतो नरसिंगो बहिर नरसिंगो हृदय नरसिंगो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ये ब्रह्मांड भी आप ही हैं, सामने भी आप ही हैं, हृदय में भी आप हैं, और ब्रह्मांड के बाहर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में आप हैं, कानोदक्षाई के रूप में आप हैं, हर एक जगह पे आप हैं। तो ब्रह्मा जी बताते हैं आपने ये सिद्ध करके दिखाया जब आपने मिट्टी खाया, मृदुभक्षण लीला इसके पहले होता है गोकुल में, एक जगह है ब्रह्मांड घाट जहाँ पे कृष्ण मिट्टी खाते हैं, और यशोदा आके कृष्ण को बोलती है मुंह खोल के दिखाओ, तो कृष्ण मुंह खोलते हैं तो यशोदा क्या देखती है, सब ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर है, और यशोदा कृष्ण को देख रही है वो भी कृष्ण के अंदर है। तो यशोदा सोच रही है ये कैसा है, कृष्ण मेरे सामने भी हैं, अंदर भी हैं, मैं बाहर भी हूं अंदर भी हूं, हाउ इज इट पॉसिबल, समझ नहीं सकते, फ्यूज उड़ जाएगा, अचिंत्य शक्ति, राइट, यू कांट अंडरस्टैंड कृष्णा। ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए। तो ब्रह्मा जी बताते हैं आज ही का लीला देखो, हाँ मैं जब लेके गया था, जब ब्रह्मा जी चुरा के लेके गए गायों बछड़ों को और ग्वालों को, उस समय कृष्ण अकेले थे, हाथ में वो प्रसाद लिए कृष्ण ढूंढ रहे बच्चे कहाँ हैं, मेरे दोस्त कहाँ हैं, बछड़े कहाँ हैं, और सडनली ब्रह्मा जी बताते हैं आपने, आप अकेले खड़े थे, सडनली आपने इतना सारा रूप ले लिया बच्चों का और बछड़ों का, और वो रूप नारायण रूप में बदल गया, और उसके बाद वो सब रूप गायब हो गए, फिर से आप अकेले खड़े हैं। तो इससे हम क्या समझेंगे, इसका मतलब है डज दिस नॉट मीन दैट यू आर द सुप्रीम नारायण ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग and from you everything emanates, again everything enters into you and you remain same as before। तो ये तत्व ज्ञान है, भगवान से सब आ रहा है, सृष्टि का निर्माण, सृष्टि के निर्माण के द्वारा भगवान ही है और अंत में भगवान ही होते हैं। ओम पूर्णम मद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। अल्टीमेटली इट इज ऑल कृष्णा,
ये कृष्ण का ही लीला है, ये जो ब्रह्मांड है ये भी कृष्ण का ही रूप है। जब ब्रह्मांड समाप्त होता है कृष्ण ही रहता है, और ब्रह्मांड के शुरुआत के पहले भी कृष्ण ही है। इसलिए चतुर्श्लोकी भागवतम में पहला श्लोक है कि कृष्णा इज द सोर्स। चतुर्श्लोकी गीता है, पहला श्लोक है 10.8, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो भगवान बताते हैं मेरे से सब कुछ आ रहा है, जैसे ये बछड़े और जो दोस्त हैं कृष्ण से आ रहे हैं, कृष्ण रूप धारण करते हैं, तो ऐसे ही भगवान बताते हैं ये पूरा सृष्टि मेरे से ही आ रहा है, राइट। ये जो समझेगा निश्चित रूप से मेरा भक्ति करेगा, जो ये बुद्धि के साथ तत्व ज्ञान के साथ समझेगा भक्ति करने का प्रेरणा मिलेगा, भाव आएगा। इसलिए हालांकि हमारा फोकस है भगवान का हरि नाम, पर उसके साथ साथ ये तत्व ज्ञान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम कृष्ण कौन है समझेंगे नहीं, हरि नाम में ध्यान से कैसे करेंगे, हमको लगेगा ये साधारण नाम है। तो इसलिए कृष्ण के बारे में समझना, संबंध ज्ञान प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बताते हैं कि लोगों को लगता है मैंने सृष्टि का निर्माण किया है, ब्रह्मा आई एम द क्रिएटर, और आप पालन पोषण करते हैं, विष्णु द मेंटेनर, और शिवजी संहार करते हैं। पर एक्चुअली सही क्या है, आप ही करते हैं, हम सिर्फ निमित्त हैं, आप हमारे से कराते हैं। मेरे द्वारा आप सृष्टि का निर्माण कराते हैं, शिवजी के द्वारा सृष्टि का प्रलय कराते हैं, पर कराने वाले आप ही हैं। और बताते हैं इसलिए आप इतने सारे अवतारों में आते हैं आपका कृपा बरसाने के लिए। तो बोलते हैं देवताओं में भगवान वामन देव का रूप लेते हैं, अदिति के पुत्र वामन देव, वो संतों में ऋषियों में परशुराम का रूप लेते हैं, मनुष्यों में कृष्ण राम का रूप लेते हैं, और पशुओं में सुअर का रूप लेते हैं, मछली में मत्स्य का रूप लेते हैं। तो भगवान अपने अचिंत्य शक्ति द्वारा हर एक व्यक्ति को कृपा देने के लिए बार बार आते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि ये दुनिया में हर एक व्यक्ति त्रस्त है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये जो दुनिया क्या है, मायावी दुनिया है, माइक वर्ल्ड, राइट। तो ये पूरा दुनिया एक सपने की तरह है, अ फ्लैशिंग ड्रीम। सपना आता है जाता है कि नहीं? रात में जब सपना आता है हम इतना प्रवेश करते हैं सपने में, हमको लगता है यही असलियत है, पर सपना मिट जाता है, उड़ गया। जैसे एक धुआं है, धुआं में अलग अलग रूप बनता है, जैसे बादल में अलग अलग रूप बनते हैं। मुझे याद है हर साल, मैं तमिलनाडु का हूँ, तो हर साल हमारे समर वेकेशन में बचपन में हम यहाँ से चेन्नई जाते थे, है ना, एक महीने के लिए गाँव में जाके आते थे। तो हर बार मेरा यही रूट था, हम जाते थे गोवा से बैंगलोर बस में जाते थे, और शायद बैंगलोर से ट्रेन लेके जाते थे। तो मैं जब छोटा बच्चा था, बस पूरा बस भर मैं क्या करता था, ऐसा बाहर जो आसमान है बादल को देखता रहता था, और मैं देखता था बादल में अलग अलग रूप बनते हैं, कभी पहाड़ का रूप, कभी ये रूप, कभी वो रूप। लेकिन ऐसा लगता है अरे कितना अद्भुत भगवान का आर्ट है, आर्ट वर्क है। पर वो रूप आता है चला जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, उसका अस्तित्व क्या है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी बोलते हैं ये पूरा दुनिया एक सपने की तरह है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नाम एव केवलम। सपना आएगा जाएगा, राइट, लीव इट, छोड़ दो सपने को। कभी बुरा सपना आया तो थोड़ा बुरा लगता है रात को, कभी डर जाते हैं, पर सुबह उठ के भूल जाते हैं। अच्छा सपना आया, हम जाके व्हाट्सएप स्टेटस में डालते हैं क्या, अरे आज क्या सपना आया मुझे। अरे आपका जो भी सपना है किसको क्या पड़ा है, दुनिया में क्या फर्क पड़ने वाला है आपके सपने का, है कि नहीं? तो ऐसे ही पूरा दुनिया सपना है। फिर भी ब्रह्मा जी बताते हैं इवन दो दिस मटीरियल वर्ल्ड इज अ ड्रीम एंड फुल ऑफ मिजरीज दुखालय अशाश्वतम, फिर भी इतना मोहक है, इट इज सो प्लीजिंग। क्यों? क्योंकि आपके शरीर से आया है, आपने रचा है, राइट, आपका क्रिएशन है, इसलिए अद्भुत है। सो माई कंक्लूजन इज, मेरा ये निष्कर्ष है कि यू आर द सुप्रीम सोल, द एब्सोल्यूट ट्रूथ। मेरा निष्कर्ष है कि आप परम सत्य हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप साधारण बच्चे हैं, नंद महाराज के पुत्र हैं, बट दिस इज अ बिग मिस्टेक। आप नंद महाराज के पुत्र नहीं है, आप पूर्व पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप परम सत्य, परम ब्रह्म, राइट, परमात्मा जो भगवान है, आप सब वही हैं।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। आज मैं समझ गया सब कारणों के कारण आप ही हैं, आपसे ही सब कुछ आ रहा है। तो वर्णन करते हैं, जैसे ब्रह्म ज्योति से ये पूरी सृष्टि का निर्माण होता है, पर ब्रह्म ज्योति कहाँ से आता है? भगवान का कांति है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं ब्रह्मनो ही प्रतिष्ठा, ये ब्रह्म ज्योति मेरे पे स्थित है। आई जस्ट एंड विथ वन, ये आगे बहुत सारे प्रार्थना है, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टाइम। तो आगे एक बहुत सुंदर श्लोक ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, जो ब्रह्म संहिता में भी वर्णन आता है। दीपाचिरेव दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवर्त हेतु समान धर्म यस्तागत एव च ही विष्णुतया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बजामि। तो बोलते हैं जैसे एक दिया होता है, कैंडल, हम अभी दिया जलाने वाले हैं तामोदृष्टकम, एक कैंडल होता है, एक ओरिजिनल कैंडल होता है। जब हम दिया जलाएंगे, एक पहले दिया को जलाते हैं, वो दिए से बाकी दियाओं को जलाते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं आप वो ओरिजिनल दिया है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बजामि, और आपसे इतने सारे विष्णु के अवतार आते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयो वनम च, कि आपसे बहुत सारे अवतार आते हैं पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आप ही हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन नानावतारम अकरोद भुवनेशु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमापुमान्यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बजामि। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन नानावतारम, भगवान से बहुत सारे अवतार आते हैं, राम नरसिंह इत्यादि, पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? कृष्ण स्वयं समभवत परमापुमान्यो, कृष्ण इज दैट ओरिजिनल कैंडल। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं आज मैं समझ गया, मैंने साक्षात ये लीला से देख लिया कि आप वो ओरिजिनल कैंडल है, आपसे पूरी सृष्टि का निर्माण हो रहा है, आपसे सब विष्णु अवतार आ रहे हैं। सो वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सैटरडे को सनत कुमार प्रभु और शुभला सुरु रहेंगे। तो नेक्स्ट सैटरडे सनत कुमार प्रभु क्लास देंगे, प्रॉबली आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू। तो जैसे भगवान अनंत हैं, भगवान के लीलाएं अनंत हैं, भगवान के गुण अनंत हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम अवसर मिलेगा हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।